हेलो बच्चों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th कक्षा 11 का विषय पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है खंड ए, राजनीति विज्ञान के मूल आधार की इकाई 1 का अध्याय 2, जिसका नाम है राजनीति विज्ञान का परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण। बच्चों, इस अध्याय के कुछ टॉपिक्स हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं और कुछ जो टॉपिक्स बच गए हैं वो हम पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अध्याय। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ क्या होता है। बच्चों, उत्तर व्यवहारवाद को आधुनिक दृष्टिकोण भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, उत्तर व्यवहारवाद भविष्योन्मुखी है, यानी कि ये भविष्य से संबंधित है, जो राजनीति विज्ञान को विकास की नई दिशा में बढ़ाना चाहता है। यह अतीत व्यवहारवाद की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए उसमें कुछ नया जोड़ना चाहता है, यानी कि उत्तर व्यवहारवाद आधुनिक दृष्टिकोण क्या चाहता है कि जो व्यवहारवाद है, यानी कि जो परंपरागत जो दृष्टिकोण रहा है, उसकी उपलब्धियों को वह स्वीकार कर ले और अगर उसमें कुछ त्रुटि है या कुछ बुराई है तो उनको खत्म करके उसमें कुछ अच्छाइयों को यह जोड़ना चाहता है। ये किसने कहा है? डेविड स्टर्न ने। 1960 के दशक की समाप्ति के पहले डेविड स्टर्न द्वारा, जो स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख प्रतिपादकों में से था। स्टर्न कौन था? ये कौन थे? खुद एक व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख प्रतिपादकों में से था। व्यवहारवादी स्थिति पर एक प्रबल आक्रमण किया गया। डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद को, यानी कि आधुनिक दृष्टिकोण को, व्यवहारवाद यानी कि परंपरागतवाद के प्रति एक प्रतिक्रिया के रूप में नहीं, अपितु मूल्य व्यवहारवादी आंदोलन में सार्थक सुधार के रूप में स्वीकार किया है। अब हम देखेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद का क्या अभिप्राय है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों को समाविष्ट कर राजनीतिक अध्ययन को औचित्यपूर्णता एवं प्रासंगिकता प्रदान करने के पक्षधर हैं। वस्तुतः उत्तर व्यवहारवाद एक सुधार आंदोलन तथा नवीन दिशा संकेत है, यानी कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है? ये एक सुधार आंदोलन है और तथा नवीन दिशा संकेत है। ये क्या करता है? व्यवहारवाद यानी कि जो परंपरागतवाद की जो बुराइयां हैं, जो उनमें कुछ जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उनको सुधारता है और उन्हें उनकी कमियों को दूर करता है, जिसके दो आधार है, कर्म एक्शन तथा प्रासंगिकता। यह समाज तथा राज व्यवस्था की तत्कालीन समस्या, यानी कि जो समाज में और जो राज व्यवस्था है उसमें जो तत्कालीन जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जो संकट है और जो चुनौतियां हैं, उनका अध्ययन करने तथा उनके निदान ढूंढने की मांग करता है। उदारवाद क्या करता है? इसके क्या है? दो आधार है, कर्म और प्रासंगिकता। और ये जो समाज में जो प्रॉब्लम्स होती है, जो संकट होती है और जो चुनौतियां होते हैं, उनका यह अध्ययन करता है और इनके निदान ढूंढने की मांग करता है। इसका मूल उद्देश्य है सामाजिक शोध, यानी कि समाज में जो सामाजिक जो प्रत्येक वर्ग होते हैं या प्रत्येक जो समाज में बुराइयां हैं, जो उनका शोध करना और समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद राजनीति शास्त्रियों के मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ भाव से अध्ययन करने के बजाय स्वयं उनको समाज एवं स्वयं समाज की रक्षार्थ आगे आने के लिए आह्वान करता है। अब हम देखेंगे बच्चों कि उत्तर व्यवहारवाद के उदय के क्या कारण हैं। तो उत्तर व्यवहारवाद के उदय के क्या कारण रहे हैं? व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया। उत्तर व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। अध्ययन पद्धतियों से असहमति और व्यवहारवाद की जो अध्ययन पद्धतियां हैं, जो अध्ययन करने की जो उनकी जो प्रोसेस है, उससे क्या है? इनमें असहमति है। व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष के कारण भी उत्तर व्यवहारवाद का विकास हुआ है। विश्व मानवता के प्रति दायित्वों की उपेक्षा की जाती थी, इसलिए क्या हुआ है? उसको बचाने के लिए या उसकी रक्षा के लिए उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ है। अब हम देखेंगे कि परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद में क्या अंतर है। परंपरावाद को व्यवहारवाद भी कहते हैं और उत्तर व्यवहारवाद को आधुनिक दृष्टिकोण भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद इनमें अंतर, तो इसमें अंतर है। पहला,
विकास की विभिन्न विभिन्न अवधारणाओं में अंतर, कि इसमें जो विकास होता है, जैसे कि जो परंपरावाद और जो व्यवहारवाद है उसमें जो विकास हुआ है, और जो उत्तर व्यवहारवाद आधुनिक दृष्टिकोण से जो विकास हुआ है, उनकी जो अवधारणा है वो अलग अलग है। विरोध की प्रकृति में अंतर है, और मतलब इनकी क्या है, विरोध की प्रकृति भी अलग है। अध्ययन के दृष्टिकोण में अंतर है, इनके अध्ययन के जो विषय वस्तु है वो भी अलग है। विचारधारा की दृष्टि से अंतर, और इनमें क्या है, विचार की जो विचारधाराएं हैं दोनों की, परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद की विचारधारा भी अलग है। परिवर्तनों के प्रति दृष्टिकोण में भी अंतर है। प्रासंगिकता की दृष्टि से भी अंतर है। अब हम देखेंगे बच्चों उत्तर व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यताएं एवं उनकी विशेषताएं। तो प्रविधि से पूर्व सार, इसकी विशेषता क्या है, प्रविधि से पूर्व सार है। सामाजिक परिवर्तन पर यह बल देता है। समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और बुद्धिजीवियों की भी इसमें भूमिका होती है। कर्मनिष्ठ विज्ञान है ये, और व्यवसाय का राजनीतिकरण है। अब हम देखेंगे बच्चों उत्तर व्यवहारवाद तथा व्यवहारवाद की तुलना। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बीच अंतरों को निम्नलिखित रूप में प्रकट किया जा सकता है, कि इनमें किस किस रूप में अंतर होते हैं और अंतर के आधार क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। तो पहला है विकास की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर, कि इन दोनों में जो विकास की जो अवस्थाएं होती है उनमें भी अंतर होता है। प्रकृति में अंतर होता है, यानी कि उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद का नेचर जो होता है, इनकी जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है, या उसमें अंतर होता है। इनके दृष्टिकोण में भी अंतर है, इन दोनों का अलग अलग, दोनों का अलग अलग दृष्टिकोण है, और मान्यता में भी अंतर है, और प्रासंगिकता का अंतर है। अब हम देखेंगे बच्चों की उदारवाद में क्या, उत्तर व्यवहारवाद में। अब हम देखेंगे उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना, इसकी कमियां या इसकी बुराइयां। तो अंतर विरोध है, तो इसमें क्या है, अंतर आपस में क्या, इन दोनों में मतलब क्या है, आपस में विरोध है व्यवहारवाद में और उत्तर व्यवहारवाद में। अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रीय हितों का यह प्रतिनिधित्व करता है, उसका प्रतिनिधि है। मात्र उदारवादी मूल्यों का प्रतिनिधि है, और तृतीय विश्व के लिए सीमित इसका महत्व है, यानी कि तृतीय विश्व के लिए इसका महत्व सीमित है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा हमारा अध्याय राजनीति विज्ञान का परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद। तो चलिए बच्चों अगली वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।